हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैं अपना बेड सही कर रही थी और आलस मतलब कि इतना मेरे अंदर है कि मेरे आँख से नींद ही नहीं जाती है। फिर उसके बाद मैं बेड वेड अपना पूरा सही करती हूँ, धीरे धीरे करती रहती हूँ और कर ही लेती हूँ बाद में। फिर उसके बाद पापा जा रहे थे सिलेंडर लेने, आप देख सकते हो, तो हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था इसलिए जा रहे थे। तो गाइस, तो अभी अभी मैं आई हूँ छत पे थोड़ा धूप लेने के लिए और अभी तक धूप आई ही नहीं है हमारे छत पे। हमारे छत पे ना पूरा चारों तरफ से ऐसे देख सकते हो ना, दीवार है ना पूरा, इस वजह से जल्दी धूप ही नहीं आती है। बट आती है फिर चली भी जाती है। मैं धूप में थोड़ी देर बैठती हूँ, सर्दियों में तो बैठना ही चाहिए, ये तो है ही है कि गाइस सर्दियाँ हैं तो धूप तो लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि उतना ठंड पड़ ही नहीं रहा जितना पहले पड़ता था, अब कहाँ उतना ठंड पड़ रहा है। बट ठीक है, अभी मैं आई हूँ छत पे, थोड़ा ऐसे ऐसे टहलूंगी और फिर मैं नीचे जाऊँगी ब्रश करूँगी। मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ पे मम्मी भर रही थी पानी क्योंकि पानी चला था। फिर उसके बाद मैं ब्रश करने लगती हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम। ब्रश वश करने के बाद मैं आती हूँ अपना फेस वॉश करके, तो उसको अच्छे से मतलब मैं तौलिया के हेल्प से, टॉवल की हेल्प से अच्छे से उसको करती हूँ क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा लग रही थी ना, पानी थोड़ा सा भी पड़ा था तो इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ और इसे चाय पीते के टाइम में मतलब पानी भर जाता था, तो मम्मी से कहती हूँ पानी भर गया है, तो वही बोलती है कि पानी बंद करो, तो फिर पानी बंद करती हूँ मैं जाके, फिर आके अपना चाय पीना कंटिन्यू रखती हूँ। चाय वाय पीने के बाद फिर उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ मैं पूरे रूम में, ये वाले रूम में पहले लगा लेती हूँ फिर और रूम में लगाती हूँ। फिर आज संडे था तो साफ़ सफाई चल रही थी, पूरा बेसिन में सब साफ़ हुआ। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम था, मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ लेती क्योंकि 22 तारीख से मेरा एग्ज़ाम है तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मम्मी पूजा करती हैं अपना, उसके बाद मैं नहा वहा के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना मामा अर्थ का यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी वाला क्रीम, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है गाइस, सच में आप लोग परचेज करें तो ज़रूर से करना। फिर उसके बाद लिप बाम एक लगाती हूँ, लोकल में ही है कोई लिप बाम, वह लगाती हूँ। फिर उसके बाद आज हमारे घर पे बना था चना का दाल, तो उसका तैयारी करता। ओ गाइस, मैं आई हूँ अभी छत पे, नहा के निकली थी तो थोड़ा धूप लेने के लिए क्योंकि ऐसे ठंड लग जाएगी, तो भूख मुझे लग गया था और अभी तक कुछ बना नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा नमकीन ही खा लेती हूँ, तो वही खा रही थी मैं, तो थोड़ा सा खा फिर आप। ओ गाइस, मैंने ना खाना वाना सब खा लिया है, हमारे यहाँ चना का दाल और चावल बना था क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि यही बनना चाहिए मम्मी से, तो वही बनाया था। और फिर मैंने खाना वाना सब खा लिया है, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी इस वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। और हाँ, मैंने खाना वाना खा लिया और देख सकते हो अभी हाथ गीला ही है, बर्तन धुल के आ रही हूँ। और जो बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर करना क्योंकि हमारे बगल में, घर के बगल में एक घर बन रहा है और जिस वजह से ये नॉइस आ रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना। उसके बाद हमारे यहाँ पे दादी के भाई मतलब मेरे बाबा आते हैं कार्ड देने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दीदी आ जाती है, तो यहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर रहा था। और कल मेरे पापा का बर्थडे है, यानी कि 18 दिसंबर को मेरे पापा का बर्थडे, तो हम लोग निकल जाते हैं कुछ लेने के लिए सामान और बाइक से जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों हंसी आ रही है वो तो हमें खुद नहीं पता। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं सबसे पहले एम बाज़ार में, यहाँ पे देखते हैं जो हमें मतलब लेना था एक लोअर, बाप रे बाप इतना महंगा गाइस, क्या ही बताऊँ, इतना महंगा मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आते हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था क्रिसमस का जो कि बहुत अच्छा था। फिर मैं अपने आप को रिकॉर्ड करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा जूम से हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं, यहाँ पर लुधियाना सेल लगी हुई थी, उसके अंदर हम लोग सोचा कि इसमें भी देख लेते हैं कुछ पसंद आ जाए हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं देखते हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा कम प्राइस में गाइस बहुत ही अच्छा अच्छा कपड़ा था, मतलब कि क्या ही बताऊँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग अगर वाराणसी में रहते हो तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करना। और यहाँ पे मैंने और दीदी ने दोनों लोगों ने ले लिया था। फिर उसके बाद दीदी चले जाती है घर और फिर मैं आ जाती हूँ इधर अपने घर पर, और घर पे आ जाती हूँ, गिफ्ट ले लिया रहता है पापा के लिए। फिर उसके बाद ये कार्ड दादी देखती है तो फिर मुझे इसको बंद करना पड़ता है, बंद करके मतलब रखना पड़ता है। और क्या गिफ्ट लिया है मैंने वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से दिखेगा। तो अभी मैं फिर से पढ़ने लगती हूँ, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।